मीडिया से आए हुए बंधुओं का जिन्होंने आज यहाँ पर समय निकाला। ये प्रेस वार्ता हमने रखी थी जो हमारा पावन पर्व नवरात्रा फेस्टिवल 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, उसके संबंध में कि किस प्रकार के आयोजन रहेंगे और किस प्रकार से जो है हम लोग इस बार जो है विभिन्न कार्यक्रम जैसे होते आए हैं उनको कैसे इस बार कंडक्ट करेंगे। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं, डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं, डायरेक्टर टूरिज्म हैं और एसएसपी रियासी मेरे साथ हैं और टूरिज्म महकमे की पूरी टीम भी यहां पर मौजूद है। देखिए, ये पूरा जो कार्यक्रम जो रहता है नवरात्रा फेस्टिवल का, ये मुख्यतः जो हमारा कटरा है वहां पर जो है उसके अराउंड सेंटर्ड रहता है। मेन हमारे फंक्शन कटरा में ऑर्गेनाइज रहते हैं और इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर हमारे महकमे हैं और गैर सरकारी इदारे हैं। गैर सरकारी इदारों में मैं समझता हूँ कि सबसे अहम भूमिका तो हमारे श्रद्धालु जो आ रहे हैं वहाँ पर, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन श्रद्धा और वो तो उनका है। और साथ ही में हमारे वहाँ का कटरा के जो होटल एसोसिएशन है, ट्रेडर्स की हमारी वहाँ की बॉडी है, वहाँ के रेस्टोरेंट एसोसिएशन है और सभी जो व्यापार संघ है, वहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी है, उन सब की बड़ी अहम भूमिका रही है। ये कई दशकों से जो है ये कार्यक्रम आयोजित, फेस्टिवल ये पर्व आयोजित होते आया है। इसके साथ साथ में डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज़्म बड़ा की रोल प्ले करते हैं नवरात्रा फेस्टिवल के आयोजन में। हमारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, उसमें उनकी एक अहम जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया के साथ साथ पुलिस प्रशासन का बड़ा एक मेजर उसमें रोल रहता है और साथ ही में मुख्तलिफ हमारे जो महकमे वो सब अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। इसकी ऑलरेडी हम लोगों ने 2 बैठकें भी कर ली थी। तो इसमें मैं आपको ओवरऑल यही बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक के मध्य में ये आयोजन जो है हमें अगर करना है तो सबसे अहम इसमें रहेगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो SOPs हैं उसका अनुपालन करना। पिछले साल क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट वेव, उस पहली लहर चल रही थी, तो उस दौरान जो है बिल्कुल सिंबॉलिक इवेंट्स यहाँ पर हुए थे। सेम तर्ज पर हम लोग इस साल भी ये जो नवरात्रा फेस्टिवल है इसको हम लोग, ताकि हमारा वो जो हेरिटेज और हमारा ट्रेडिशन है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे और हमारे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं उनकी श्रृंखला एक मेंटेन रहे। हमारे यहाँ पर चूँकि हमारी यात्रा, हमारा ये पर्व, हमारा ये जो टूरिज़्म सेक्टर है इस पर जो है वो डिपेंडेंट है। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंबाइंड 3 इवेंट्स प्लान किए हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए जो नवरात्रा फेस्टिवल के दौरान होंगे। पहला है गरबा एंड डांडिया नाइट जो 9 तारीख को होगी, गुलशन ग्राउंड जम्मू इसका वेन्यू रहेगा। दूसरा रहेगा डोगरी फूड फेस्टिवल एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पब्लिक अटायर डिस्प्ले कॉम्पिटिशन। ये जो रिसेंटली इनॉग्रेटेड जम्मू हार्ट की बिल्डिंग है जिसको ऑनरेबल LG और MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था, वहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जम्मू हार्ट में। तीसरा इवेंट एक माता की भेंट जो कि एक जागरण के फॉर्म में रहेगी, वो जो हमारा हेरिटेज ओल्ड सिटी है रघुनाथ बाजार, वहाँ पर 13 तारीख को 13th ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये 3 इवेंट्स हैं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे। एंड वापस से मैं वही चीज़ रिट्रेट करना चाहूँगा जैसा डिवीजन कमिश्नर साहब ने बताया कि SOPs को और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो डेफिनेटली उसको इंश्योर करने की हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। लेकिन जो लोगों की जो जो पार्टिसिपेशन है और जो उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगी वही जो है आई थिंक हमें खास ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और हमारी अपील भी रहेगी कि हम इन सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हुए, भले ही जो सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, भले ही जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। थैंक यू। बीच की जिले ऐसे मीटिंग की जाइए कर रहा थे, मैं शुक्रिया अदा करना चाहना जिन्हें भी स्टेक होल्डर्स ने, और स्टेक होल्डर्स तो लगाई लाओ कि जेडे टूर ऑपरेटर न, ट्रैवल ऑपरेटर न, जेडे ट्रांसपोर्ट तू अवस्था न, सारे ने बड़ा ज़्यादा मैं समझना कि एक कंसेंसस डिसीजन करें कि अस सिंबॉलिक इवेंट सारे रखे ताकि कंटिन्यूटी साड़ी मेनटेन रहे। एंड एट द सेम टाइम जेड़ा कोविड है, कोविड का भी ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, गैदरिंग बिल्कुल लिमिटेड होनी चाहिए है। तो उस हिसाब करने सब ने बड़ा कंसेंसस हो डिसीजन ये होया जेड़ा रादर साडा बड़ा इवेंट सी डिवोशनल सॉन्ग कंपीटिशन, उदे वास्ते भी अक्रॉस द बोर्ड सब ने यह मनिया कि नहीं उदे विच जेड़े ऑर्गेनाइजर से, क्योंकि कमेटियां बनी दी हर एक इवेंट की कमेटियां बनी दी, उन्होंने आपू ही आख्या
कि एदे विच क्राउड कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ते इस वास्ते इसी जेड़ा है अस अगले साल उपर इसी शिफ्ट करगे। बाकी जेड़े तुसें अगर दिखा होना पूरा प्लान ही इं रखे दा है कि डिफरेंट लोकेशंस उपर डिफरेंट तरीकों उपर डेट्स उपर ये फंक्शन हो ताकि एक जगह उपर किसी भी जगह उपर क्लस्टरिंग नहीं होए ते क्राउडिंग नहीं।